Hi, hello, namaste, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. Currently, abhi thandi ka mausam start ho gaya hai. Khaskar cities jaise ki Pune ho, Konkan area ho, suburbs ho, kyunki main janta hu Bombay ke andar to abhi thandi ka namo nishan nahi hai. But yahi dua hai ki Bombay ka bhi climate jal thanda ho. और लोगों को गर्मी से राहत मिले इंशाल्लाह। ये वीडियो बनाने का दो मेन मकसद है। पहला मकसद है कि इससे पहले जब मैंने वीडियोस बनाई थी कैल्शियम को लेके, लिवर टॉनिक को लेके और दूध को लेके, उसके बावजूद मुझे बहुत से मैसेजेस और कॉल्स आए जिनके अंदर मुझे बहुत से सवाल ऐसे आए जो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम सवालों को कवर करूँ जिससे आप सबका फ़ायदा हो सके। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, बट इसको आप स्किप ना करना। पूरी वीडियो के अंदर कई ऐसे सवाल भी हैं जिससे डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंक्रीज भी होगी, आपके डाउट्स क्लियर भी होंगे, और अगर आपको कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल जाता हूँ, या अगर आप ऐसी कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं जिससे हम सबको फ़ायदा पहुँच सके, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स लिख दें। और दूसरा जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो ठंडी से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी बहुत सी जगहों पे हिंदुस्तान के अंदर ठंडी शुरू हो गई है और बहुत से लोग जो फ्रेशर्स हैं जिनको बकरों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उनके मुझे अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं डेली। तो ख़ास कर ये वीडियो के अंदर विंटर के प्रिकॉशंस भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप अभी पिक्चर्स देख रहे हैं पास्ट यानी बिफोर की और आफ्टर की, ये सब मेरे पर्सनल बकरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उनके आल का सदका है कि बकरों के अंदर काफ़ी डिफरेंस आया। तो जो चीज़ मैं पर्सनली करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मुझे ये शौक़ को, तो वो पर्सनल चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहला पॉइंट है कैल्शियम। तो सवाल था कि कैल्शियम कौन सा देना सबसे बेस्ट है, और क्या कैल्शियम के साथ हम लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं कि नहीं। तो इसके रिलेटेड मैं सिर्फ आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर स्टेट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट के अंदर जो ब्रांड कैल्शियम का मिलता है वही ब्रांड दूसरे स्टेट में मिले। तो इसके लिए मैं कोई भी कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम रिकमेंड नहीं करूँगा। मार्केट में अलग अलग कैल्शियम के ब्रांड्स हैं, अलग अलग कैल्शियम्स आते रहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम लेते हैं तो उसके साथ आपको वाई मिनरल्स करके मल्टीविटामिन आता है, वो आपको उसके साथ ऐड करना है। बट बहुत से कैल्शियम्स अवेलेबल हैं करंटली मार्केट के अंदर जिसके अंदर मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन सब चीज़ एडिड होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें, ग्रो कैल D3 करके कैल्शियम है, इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। जैसे कि इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम भी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मल्टी मिनरल्स आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर कैल्शियम जो भी होता है उस कैल्शियम की बॉटल के ऊपर उसका डोसेज भी लिखा होता है, जैसे कि मुर्गियों को आपको कितना देना है,
कैटल को, जैसा काउ उसको कितना देना है, घोड़ों को कितना देना है, जैसा इस पे लिखा है कि गोट है तो 20 से 25 ml आपको देना है डेली। बट अगर आप बेसिक पकड़ के चले तो 20 kg का जानवर हो तो 5 ml दे। जैसे जैसे 20 kg से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 20 kg के लिए आप 5 ml दे, 40 kg के लिए 10 ml दे, 60 kg के लिए 15 ml कर दे, 80 kg के लिए आप 20 ml कर देंगे, और अगर 100 kg का आपका बकरा है तो 25 ml भी आप दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखें, कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद तब तक रहती है जब तक उसका एक लिमिट हो। कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा देते हैं तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि साल के 12 महीने कैल्शियम दें। आप अगर एक महीना कैल्शियम देते हैं तो एक महीने का हॉल्ट लें, और वो हॉल्ट के अंदर आप एक महीना लिवर टॉनिक दें। तो आप ऐसा चलेंगे, एक महीना कैल्शियम, फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर अगर आप कैल्शियम देते हैं, फेब के अंदर आप कैल्शियम नहीं देके लिवर टॉनिक देंगे, मार्च के अंदर फिर से कैल्शियम देंगे, और फिर अप्रैल के अंदर फिर से लिवर टॉनिक देंगे। ये सेम चीज़ लिवर टॉनिक के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि लिवर टॉनिक के भी अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा लिवर टॉनिक आपके स्टेट या सिटी में मिलता है, ईजिली अवेलेबल है, आप वो लिवर टॉनिक दे सकते हैं। ब्रांड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन 99% ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ लोगों का मुझे एक क्वेश्चन आया कि ब्रूटॉन जो लिवर टॉनिक होता है उसमें अल्कोहल होता है, तो क्या वो दे सकते हैं? तो मेरा मानना है कि ये आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, बेटर है बहुत से और भी लिवर टॉनिक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो लिवर टॉनिक दे सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं लिवर टॉनिक और कैल्शियम साथ में दें तो आप साथ में दे सकते हैं, लेकिन आप साथ में मिला के ना दें। टाइम पीरियड रखें, अगर आप सुबह को कैल्शियम देते हैं तो शाम को लिवर टॉनिक दें, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा ना दें, क्योंकि अक्सर कैल्शियम से किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओवरडोज से। सेकेंडली, जैसा लिवर टॉनिक डाइजेशन इम्प्रूव करता है लिवर स्ट्रॉन्ग करके, वैसे ही अगर आपको कोई भी चूरन या डाइजेस्टिव पाउडर चाहिए है आपके बकरे का हाजमा ठीक करने के लिए, तो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल होता है। हिमालय का ब्रांड है हिमालयन 32 करके, ये सबसे बेहतरीन, सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बेस्ट है। आपको कोई भी स्पेशल चूरन या वीआईपी चूरन या झादू की चूरन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली हिमालय 32 भी देते हैं तो उससे भी बकरे का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अब हम कवर करेंगे मिल्क। क्या आप ठंडियों में मिल्क दे सकते हैं? डेफिनेटली येस, आप मिल्क पूरे साल के 12 महीने दे सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि मिल्क आप कुनकुना गर्म करके दें। स्पेशली ठंडी में भी आपको दूध को थोड़ा सा कुनकुना करना है। अगर आप उसके अंदर कैल्शियम मिला सकते हैं तो कैल्शियम दूध के अंदर मिला के दें। कैल्शियम मिलाने से दूध मीठा हो जाता है और बकरे बहुत मज़े से पीते हैं। फिर क्वेश्चन था कि आप गाय का दूध प्रेफर करेंगे या भैंस का। तो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप पहली बार दूध स्टार्ट कर रहे हैं तो गाय का दूध स्टार्ट करें, और अगर छोटा बच्चा है तो 250 ml से स्टार्ट करें, अगर बड़ा बकरा है तो 500 ml से स्टार्ट करें। अगर वो इतना दूध डाइजेस्ट करता है तो आप ग्रेजुअली दूध को इंक्रीज कर सकते हैं, और आगे जाके आप ये गाय के दूध को भैंस के दूध पे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बकरा डाइजेस्ट करे। फिर एक क्वेश्चन था कि क्या दूध देने से, कैल्शियम देने से बकरे की हाइट बढ़ती है? तो डेफिनेटली नहीं। प्लीज़ इस बात को कन्फर्म अपने दिलो दिमाग में लिख लें कि ऐसी कोई भी मेडिकेशंस नहीं है, ऐसी कोई भी इंजेक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे बकरे की आप हाइट बढ़ा सकते हैं।
डेफिनेटली आप बकरे का बोन स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसका वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी हाइट है वो उसके जीन्स से आती है। अगर उसका बाप हाइटेड होगा, माँ हाइटेड होगी, तो डेफिनेटली बच्चा भी हाइट खोलेगा। लेकिन आपको एक बात बोल दूँ कि जितने भी नॉर्मल ब्रीड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि अजमेरा, सिरोही, राजस्थानी और जितने भी अलग ब्रीड्स हैं, मैक्सिमम बकरे 4 दांत तक अपनी फुल हाइट पे आ जाते हैं। और 1000 बकरों में से एक ऐसा बकरा होगा जो 4 दांत के बाद अपनी हाइट खोलता है। बट कोटा एक ऐसी नस्ल है जो 8 दांत के बाद भी अपनी हाइट खोलता है। फिर एक सवाल था कि बकरा कितने महीने में अपने 2 दांत खोलता है, तो ये सिर्फ एक FYI बताना चाहूँगा आपको कि कुछ बकरे होते हैं जो 9-10 महीने में भी अपने 2 दांत खोल लेते हैं, कुछ बकरे होते हैं जो 11-12 महीने में भी खोलते हैं, और कुछ बकरे होते हैं जो 14-15 महीने तक भी अपने 2 दांत नहीं खोलते। ये कम्प्लीटली बकरे के जीन्स पे डिपेंड होता है और आपकी खुराकी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप बकरा अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसकी नस्ल का नाम पंजाबी है, कि 4 दांत पे था, माशाल्लाह से 44-45 इंच की हाइट थी, और आप देख सकते हैं कि उसके हाइट का क्या कारिस्तानी थी, कि गेट इसका 5 फीट के ऊपर है, उसके बावजूद भी 5 फीट के ऊपर से वो कूदी मार लेता था। ये जो नस्ल है स्पेसिफिकली, जिसे आप पंजाबी भी बोल सकते हैं और बीटल भी बोल सकते हैं, इसकी हाइट जाती है राउंड अबाउट 47-49 इंच तक। बट अगर आप कोटे की हाइट कंसिडर करते हैं, तो कोटे की हाइट जाती है एवरेज अराउंड 39-40 इंच, और बहुत ही रेयर कोटा होता है जिसकी हाइट 42-43-44 इंच तक जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्म पे कोटे में, गुलाबी कोटे में 42-42.5-43.5 इंच तक के हाइट के कोटे अवेलेबल हैं। और अब फिर वापस आते हैं दांत के ऊपर, तो अगर आप जनरली एवरेज पकड़ के चलें, तो 2 दांत बकरा राउंड अबाउट 12-13 महीने में खोलता है। फिर एक क्वेश्चन था कि क्या 8 दांत का बकरा बुड्ढा बोला जाता है, तो नहीं। अभी आपको मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं, फॉर एक स्टैंडर्ड लेवल के लिए आपको समझना हो तो, 1 महीने का बकरा आप पकड़ के चले कि ह्यूमन एज से कंपेयर करेंगे, तो वो 1 साल का बच्चा होगा। तो सेम इक्विवेलेंट 12 महीने का बच्चा बकरे का 12 साल के ह्यूमन के बच्चे के कंपैरेटिवली होगा। और अगर आप देखें तो वो बकरा 8 दांत कुछ 24 से 30 महीने में खोलता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 24 से 30 साल के इंसान के एज का होगा। तो आप डेफिनेटली 24 से 30 साल के इंसान के बच्चे को बूढ़ा नहीं बोल सकते। इन जनरल बकरों की एज अराउंड 9 से 10 साल होती है, कभी कभी 11 से 12 साल तक बकरे जीते हैं। तो अगर बकरा राउंड अबाउट 4 साल तक का भी होता है, तो भी बकरे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बकरे की डाइट हेल्दी और अच्छी हो। और स्पेशली एक चीज़ कोटे से रिलेटेड, शायद मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी बताया हूँ, कि कोटा अपने असल रुबाब जो खोलना शुरू करता है वो 6 दांत के बाद खोलता है। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 के लिए अगर कोई बकरा देखना हो या ख़रीदना हो, तो आप कम से कम 4 या 6 दांत का बकरा ले। अगर आप 8 दांत का भी बकरा लेते हैं जो फ्रेश 8 दांत खोल रहा है 2020 के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक चीज़ बोलता चलूँ कि कुदरत से ऊपर किसी का हाथ नहीं चलता। तो कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो 2 दांत या 4 दांत पे हो,
तो भी बहुत ही बेहतरीन रुबाब में होते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बच्चा भी माशाल्लाह से प्योर टॉप ऑफ द लाइन कोटा है। चार दांत पे ऐसा रुबाब है माशाल्लाह से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका रुबाब कितना बेहतर हो जाएगा 8 दांत तक। तो कभी कभी कुदरत ऐसे नगीने दे देती है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं होता है। फिर अभी जो आप स्क्रीन पे बच्चा देख रहे हैं, आप सब बखूबी जानते हैं ये कोहिनूर था जो 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह बिका 42.5 इंच हाइट, बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन, टॉप ऑफ द लाइन प्योर गुलाबी कोटा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशन में, सेम टू सेम रुबाब के अंदर, सेम टू सेम क्वालिटी के अंदर एक बच्चा अवेलेबल है जो 2021 या 2022 के लायक है, जो आप चाहें बुकिंग कर सकते हैं। फिर अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह जो बकरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है द बुल। माशाल्लाह से 4 दांत फ्रेश, 40 इंच हाइट, अल्हम्दुलिल्लाह 100 kg प्लस। माशाल्लाह से ऐसा बच्चा 1 in 1000 आता है जो इस रुबाब में, इस एज में मिलता है। माशाल्लाह से कंप्लीट पैकेज। अब हम आते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए विंटर्स के अंदर, मतलब सर्दियों के अंदर आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहली बात, आप ध्यान रखें कि अगर ठंडी ज़्यादा है, और जैसे ठंडी का मौसम है, तो प्लीज़ 2 से 3 वैक्सीनेशंस हैं जो आपको कंफर्म जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। पहली वैक्सीनेशन जो है FMD, दूसरी वैक्सीनेशन है ET, तीसरी वैक्सीनेशन जो बहुत ही ज़्यादा जिसकी बीमारी की हवा चली है, जिसे कहते हैं गोट पॉक्स। इसको छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ठंडियों के अंदर आप बकरे को सीमेंट वाली ज़मीन या रेती वाली ज़मीन पे ना रखें, क्योंकि ठंडी के अंदर सीमेंट हो या रेती हो, ये ठंडक पकड़ लेती है और बकरों के पैरों के अंदर तकलीफ़ हो सकती है। अगर आप बकरों को कच्ची मिट्टी पे रख रहे हैं, जो सूखी कच्ची मिट्टी है गांव के जैसी, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब बकरा इसमें टॉयलेट करता है तो आराम से साफ भी हो सकता है और पेशाब अंदर सूख जाता है, और ठंडियों में भी ठंडक का इतना एहसास नहीं होता। या अगर आपका फार्म है जो प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड है, सीमेंट उसका बेस है, तो आप ऐसा घास का बेस डाल सकते हैं जिसकी वजह से उन बकरों को गर्मी रहेंगी अगर वो उसके ऊपर बैठते हैं। या फिर अगर आपके पास घास का बंदोबस्त नहीं हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट बहुत से लोग करते हैं, जिसको वुडन पैलेट कहते हैं। लेकिन सिर्फ वुडन पैलेट की एक चीज़ आपको याद रखना है कि पैलेट के जो बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसके अंदर पैर फंस भी सकता है छोटे बच्चों का। तो जो पैलेट्स है उसकी जो फल्ली लगती है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 1/2 इंच होना चाहिए, ये आप याद रखें। अगर आपका पैलेट 1/2 इंच के गैप से बना है तो उसका जितनी भी गंदगी है वो पैलेट के नीचे चले जाती है और पैलेट ऊपर से सूखा रहता है, जिसकी वजह से ठंडी में बकरों को तकलीफ़ नहीं होती। फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप रात को जहाँ पे आपके बकरे हैं, जैसा इंसान आग जलाते हैं जिससे एटमॉस्फेयर और हवा गर्म हो जाती है, आप ऐसे ही आग जला के थोड़ा देर रख सकते हैं, जिसके वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाए, बाहर प्लास्टिक लगा दें या गोनी लगा दें कि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए, और आग के वजह से अंदर के रूम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे और बकरों को ठंडी ना लगे। अब हम आते हैं कि ठंडियों में कौन सा तेल बकरों को दे सकते हैं। तो बकरों को ठंडियों के अंदर सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, ये आप दे सकते हैं। सरसों का तेल गर्म तासीर रखता है, इसी वजह से जब बकरों को सर्दी होती है तो भी आप सरसों का तेल उनको पिला सकते हैं, और ख़ासकर ठंडियों के अंदर अगर आप सरसों का तेल दें तो बकरे को अंदर से काफ़ी गर्मी मेंटेन रहेंगी।
एक बात का ध्यान रखें कि बकरों को ठंडियों के मौसम में जब ठंडी ज़्यादा हो रही हो तो गलती से भी ना नहलाएं। अगर आपको नहलाना है तो आप उस टाइम पे नहलाएं जब कम से कम 2 से 3 घंटा कड़क धूप में आप बकरों को रख सकें। उसके बाद एक सवाल था कि हम लोग बकरों को गीला चना देते हैं, गीला करके अनाज देते हैं, तो क्या गीला करके अनाज दें? तो डेफिनेटली अवॉइड करना बेहतर है। ठंडियों के अंदर आप गीला करके अगर अनाज देते हैं तो अनाज की तासीर ठंडी हो जाती है, जो आपके बकरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कोशिश करें, बेटर है कि आप जो गीला अनाज बकरों को देते थे वो गर्मियों के अंदर बेस्ट है, ठंडियों के अंदर अवॉइड करें अनाज गीला या भिगा के देने से। एट लास्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो या अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चंस हो बकरों के डाइट से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट्स में डालें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। सो इन्जॉय द विंटर्स, हैव फन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, and see you soon. Allah Hafiz.